हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है नोटिस राइटिंग का। कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए, उनके आंसर्स भी देखें, और आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा, यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन। आपके स्कूल मैगजीन के क्या हो? एडिटर हो। एडिटर कौन होता है भाई? संपादक, जो एडिट करता है किसी भी आर्टिकल या न्यूज़ को। क्या करता है? एडिट करता है, संपादन करता है। आप अपने स्कूल मैगजीन के क्या हो? संपादक हो। और मैगजीन क्या होती है पता होगा आपको? पत्रिका। ड्राफ्ट एंड नोटिस, एक नोटिस तैयार कीजिए फॉर योर स्कूल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, आपके स्कूल के स्टाफ मेंबर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। इनवाइटिंग, इनवाइट करते हुए क्या क्या मंगवाना आपको उनसे? आर्टिकल्स एंड स्केचेज, आपको उनसे आर्टिकल्स मंगवाने हैं एंड स्केचेज मंगवाने हैं फॉर योर स्कूल मैगजीन, आपकी स्कूल की मैगजीन के लिए। साइन, साइन कीजिए एज PQS, इसका मीन्स क्या हो गया? नोटिस इश्यू करने वाला कौन है? PQS, उसका नाम है। और उसका डेजिग्नेशन क्या हुआ? क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका डेजिग्नेशन क्या है? एडिटर। और स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर। ये क्वेश्चन आपके 2015 में आया था और ये इस साल यानी कि 2020 में भी आया है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, जो इस साल क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में वो थोड़ा डिफरेंट है। और उसमें क्या हुआ, एक तो स्कूल का नाम नहीं दे रखा और ना ही इश्यू करने वाले का नाम दे रखा है, बस उसमें एज्यूम करना था। हाँ, उसमें स्कूल मैगजीन का नाम भी थोड़ा अलग दे रखा है, उसमें दे रखा है 25th एनुअल मैगजीन, उसका नाम भी दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम स्कूल की मैगजीन का नाम लिख भी सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो, और नहीं भी लिखें अगर नहीं दिया हुआ हो तो। अब देखिएगा, आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ओके, आपको बॉक्स बनाना है, पेंसिल, पेन, स्केल, आपकी लाइन क्या रहे? सीधी रहे, अच्छी लगे। मैंने भी ट्राई किया है लाइन सीधी करने की। और अब देखते हैं, सबसे पहले नोटिस में क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, उस इंस्टीट्यूट, उस स्कूल, उस संस्था का नाम लिखते हैं जो नोटिस इश्यू करने जा रहा है। तो देखो, इसमें स्कूल का नाम दिया हुआ है, स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम क्या हुआ? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर। ये तो अपना क्या हो गया, स्कूल का नेम हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, क्या करते हैं, नोटिस वर्ड लिखते हैं। तो जस्ट बाद में मैंने क्या किया, नोटिस वर्ड लिखा और उसको क्या कर दिया, अंडरलाइन। क्या लिखा? नोटिस वर्ड लिखा और उसको क्या कर दिया, अंडरलाइन। उसके बाद में हम अपने बॉक्स यानी कि आपके नोटबुक के पेज के लेफ्ट साइड में डेट मेंशन करते हैं। अब ये डेट कौन सी लिखी, इसमें कहीं भी डेट मेंशन नहीं की हुई है। सपोज कीजिए, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि आपकी स्कूल मैगजीन जून में पब्लिश होने वाली है, तो आप क्या करोगे, मई की डेट लिख दोगे, या जून लास्ट की बात कर रहे हैं तो जून स्टार्ट में कोई भी डेट लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको अगर डेट मेंशन नहीं की हुई है क्वेश्चन में तो आप अज्यूम कर सकते हो, और थोड़ा उसमें गैप भी हो। देखो कैसे, मैंने माना है कि आपका जो स्कूल मैगजीन है वो जुलाई में पब्लिश होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, जून में ही ये आर्टिकल्स स्केच इन्वाइट करूँगा। तो मैं नोटिस की डेट लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया 15 जून 20। अब डेट मैंने लिख दी है, उसके बाद क्या करते हैं अपन, उस
नोटिस का टाइटल लिखते हैं और इसका टाइटल क्या है, पर्पज क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, स्कूल मैगजीन पब्लिश करनी है और उसके लिए क्या मंगवाना है, बच्चों से, स्टूडेंट से क्या मंगवाना है, स्टाफ मेंबर से क्या मंगवाना है, आर्टिकल्स एंड स्केचेज। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा टाइटल, तो मैंने लिखा आर्टिकल्स, आर्टिकल्स। मैं यहाँ पे स्केचेज आगे और ऐड कर सकता हूँ, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, मैंने क्या लिखा, आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, ये मैंने क्या कर दिया, टाइटल लिख दिया। ओके, और देखिएगा, आपको एक बार मैंने बताया भी था, आप जो भी लिख रहे हो उनके बीच में एक एक लाइन खाली छोड़ सकते हो, अगर नहीं भी छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो मेरा काम क्या हो गया, मैंने स्कूल का नेम लिख दिया, मैंने नोटिस वर्ड लिख दिया, मैंने डेट भी मेंशन कर दी और मैंने नोटिस का टाइटल भी लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, कंटेंट ऑफ द नोटिस, वो क्या है, आपको बताया था स्टार्ट में हमें कोई भी एक सेंटेंस लिखना होता है जो मोस्टली नोटिस में सेम रहता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, लिख दिया, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। हम इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट, और क्या लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्फॉर्म दैट, ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, लिख दिया, आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश, आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा होता है, योवर, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आवर। ओके, आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश, पब्लिश का मीन्स क्या हो गया, प्रकाशित करना। ओके, क्या प्रकाशित कर रहे हैं, पब्लिश ए स्कूल मैगजीन। ओके, अब कब प्रकाशित करने वाले हैं, कब पब्लिश करेंगे अपन, जुलाई में, तो इन क्या हो गया, इन द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, मैंने मंथ मेंशन कर दिया, जुलाई में प्रकाशित करवाने जा रहे हैं। ओके, फिर हमें इनवाइट करना है किसके लिए, आर्टिकल्स एंड स्केचेस के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स हु आर इंटरेस्टेड, मैंने क्या लिखा, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स हु आर इंटरेस्टेड, जो रुचि रखते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, क्या कर सकते हैं वो, मे सेंड, भेज सकते हैं, देयर अपने आर्टिकल्स स्केचेज एट्सेट्रा। ओके, तो अपने आर्टिकल्स स्केचेज क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, किसे, हमें ये भी बताना होता है किसे भेजना है, किसे सबमिट करवाना है, टू द अंडरसाइंड। ओके, अब ये भी बता सकते हैं कि कौन सी डेट से पहले पहले हमें सबमिट करवाने हैं, तो अंडरसाइंड बाय। अब देखिए जुलाई, जुलाई में क्या हुआ, प्रकाशित होना, पब्लिश होनी है, और हमने डेट लिखी अभी 15 जून, तो क्या करेंगे अपन, इससे थोड़ा आगे की डेट डाल देंगे भाई, कि दो वीक बाद तक हमें सबमिट करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे डेट लिखूँगा बाय 28 जून 20। ओके, तो देखिए अपना सेंटेंस क्या बना, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी एंड स्टाफ मेंबर्स, इनके टीचर्स
आर सॉरी हु आर इंटरेस्टेड जो इंटरेस्टेड है में सेंड भेज सकते हैं देयर आर्टिकल्स अपने आर्टिकल्स एंड स्केचेज टू द अंडरसाइंड जिसके नीचे सिग्नेचर किए हुए हैं उसको भेज सकते हैं सबमिट करवा सकते हैं कब तक देखो पाई 28 जून का मतलब क्या होता है 28 जून तक भेज सकते हैं उसके बाद में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे इससे पहले पहले आपको सबमिट करवाने हैं ये अपना हो गया कंटेंट ऑफ द नोटिस अब देखिए यहाँ पे कुछ जगह पे चेंज हो सकता है अगर आप 2020 वाला क्वेश्चन देखते हो आंसर लिखते हो तो यहाँ पे कहाँ चेंज होगा देखो उसमें मैगजीन का नाम दिया हुआ है 25th एनुअल मैगजीन तो देखो मैं यहाँ पे उसका नाम चेंज कर सकता हूँ देखो यहाँ से क्या हुआ पब्लिश ओके फिर मैंने यहाँ से हटा दिया मान लो और ये हटा दिया मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 25th ओके 25th एनुअल मैगजीन ये लिख सकता हूँ ओके और मैं कहाँ पे चेंज कर सकता हूँ मंथ भी चेंज हो सकता है ज़रूरी नहीं है आपको अगर मंथ दिया हुआ हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो और सपोज कीजिए ओनली स्टूडेंट से ही इनवाइट किए गए हैं आर्टिकल्स एंड स्केचेज तो वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स या टीचर्स को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है ओनली क्या होगा स्टूडेंट्स मेंशन किया जाएगा फिर और कहाँ पे अपन चेंज कर सकते हैं देखो सेंड सेंड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ और सबमिट ये वर्ड भी आ सकता है देखो सेंड एक ये भी होता है सेंड एक तो ये होता है और एक सेंड ये होता है ओके ये सेंड तो क्या होता है भेजना और ये सेंड क्या होता है मिट्टी ओके जिसको आप और क्या बोल सकते हो सॉइल ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे सेंड की जगह पे क्या लिख सकता हूँ सबमिट और सपोज कीजिए आर्टिकल्स स्केचेज पोस्टर्स कुछ और भी प्रोजेक्ट्स अगर इनवाइट किए गए हैं तो भी आप आगे मेंशन कर सकते हो ओके फिर मैं क्या लिख दूंगा देखो इसमें नोटिस इश्यू करने वाला कौन है PQS तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे PQS अब इसका डेजिग्नेशन क्या है इसकी पोस्ट क्या है ये है एडिटर ये कौन है एडिटर हमारा नोटिस क्या हो गया कंप्लीट है तो मैं क्या करूँगा इसको बॉक्स को बंद कर दूंगा ओके हमें कहाँ ध्यान ज़्यादा ध्यान कहाँ रखना है एक तो नोटिस वर्ड लिखना एक उसका स्कूल का नेम लिखना और उसमें जो हेडिंग है टाइटल है वो ज़रूर सही लिखे और आपको जैसे ही क्वेश्चन आप रीड करें तो आप उस क्वेश्चन में से चीज़ें निकाल लें कि उसमें इश्यू करने वाला कौन है उसका डेजिग्नेशन का क्या है स्कूल का या इंस्टीट्यूट का नेम क्या है और उसमें क्या पर्पज है नोटिस लिखने का क्या उद्देश्य है और उसमें क्या चीज़ें इन्वाइट की गई है ये चीज़ें आप जरूर वहाँ से निकाल लें वहाँ से आप फाइंड आउट करें उसके बाद ही आप नोटिस स्टार्ट करें तो आपका नोटिस क्या हो जाएगा बहुत ईजी हो जाएगा मोस्टली सेंटेंस क्या होते हैं सेम रहते रहने वाले हैं अब अगर मान लो आपने ये लिख लिया ये नोटिस लिख लिया थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दें तो भी आप दो तीन वर्ड या एक सेंटेंस चेंज होने वाला होता है बाकी सेंटेंस क्या रहते हैं सेम रहते हैं ओके तो आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और जो अगला क्वेश्चन होगा नोटिस राइटिंग का वो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपको प्रैक्टिस के लिए PDF फाइल में क्वेश्चंस मिल जाएंगे आप उनके आंसर्स भी क्या कीजिए व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए और जो क्वेश्चंस आपको क्लास में या वीडियो में प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं या दिए जाते हैं इन फ्यूचर या कभी दिए गए थे तो उनके आंसर्स भी क्या करने हैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं और उनके आंसर में आपको जो मिस्टेक आप करोगे तो मैं पूरा आंसर लिख के आपको सेंड करूँगा ओके मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड में तब तक के लिए बाय बाय